वेलकम है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में विंटर वोकेशंस कब होंगे और आए दिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में जो सेक्चुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं उसके बारे में कश्मीर यूनिवर्सिटी का क्या कहना है। आज के इस वीडियो में आपके साथ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहां से आपको एजुकेशनल कंटेंट और बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नीलोफर खान का ये इंटरव्यू देखें, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए जी, हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है, उसको हम स्कूल सिस्टम के साथ नहीं कर सकते हैं एट पार। एज पर आवर नीड हमारी थोड़ी सी विंटर ब्रेक होएगी बच्चों को, क्योंकि ठंड होती है बहुत, लाइट जाती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना हीटेड नहीं होता है। शॉर्ट टाइम के लिए होगी, बट जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या जहाँ पे टीचिंग की ज़रूरत है वो चलता रहेगा एज सच। तो जहाँ टीचर्स को आने की ज़रूरत होगी वो चलता रहेगा। जैसे आपने पीछे भी देखा है जो हमारी विंटर ब्रेक होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। मैम, मेरे दो सवाल और हैं। बताएं। मेरा पहला सवाल है, नॉर्थ कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में दो सेक्सुअल अलेज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस सामने आए, एक कॉलेज में आए और एक स्कॉस्ट का आया, कैसे देखते हैं आप? व्हाट यू कश्मीर इज टेकिंग स्टेप्स सो दैट इंसिडेंट। देखिए जी, हर एक इंस्टीट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एक इंटरनल कंप्लायंस कमेटी होती है। जो कल आप केस बता रहे हैं एक कॉलेज का, आई एम श्योर कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे मस्ट हैव टेकन अ कॉल ऑन इट। आपने ऑलरेडी देखा कि द पर्सन हैज़ बीन सस्पेंडेड। एक इंटरनल कंप्लायंस कमेटी होती है जो अपना एक्शन करती है एंड आई एम श्योर दैट एक्शन विल बी टेकन। और इस चीज़ में हमको अवेयर करना है, लड़कियों को खुद अवेयर करना है और सोसाइटी में जो हमारा अपना सिस्टम है उसको ठीक करना है। अगर लड़कियां किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ इंटरनल कंप्लायंस कमेटी ऑन बोर्ड होनी चाहिए एंड सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए एंड आई एम श्योर दैट थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।